स्टार्ट करते हैं बच्चों, डीपीपी का डिस्कशन है। एक बार मुझे देखने दो डीपीपी किस नाम से है यहाँ पे। हाँ बच्चों, क्या क्या दिया था डीपीपी में हमारा? चलो आप तो पूछ लो, मैं तो स्टार्टिंग से स्टार्ट कर देता हूं। 1.1 में किसी को डाउट? हाँ बोलो दीप्ति, माइक ऑन करो बच्चे, मैंने परमिशन दे रखा है। 13th वाला क्या दे रखा है 13 वाले में? When a plus 20 कूलम रॉड इज टच टू द नॉब, ओके, द डिफ्लेक्शन वॉज 5 degree, ओके, इसके लिए पूरी कहानी दे रखी है मैंने। When an identical rod of minus 40 कूलम इज टच, द डिफ्लेक्शन फाउंड टू बी दिस। ओके दीप्ति, आपके पीछे से आवाज बहुत आ रही है, डिस्टर्बेंस आ रहा है। ठीक है, अभी ठीक है, माइक ऑन करो। यस सर, हमें क्या क्या दे रखा है? हमें दे रखा है ना, अ लीफ इलेक्ट्रोस्कोप इज अ सिंपल अपैरेटस टू डिटेक्ट any charge on the body. It consists of two metal leaves, OA and OB, perfect, free to rotate about O. Both are very slightly separated. When a charge object is touched to metal knob, okay, at the top of conducting rod, the charge flows through the knob to the leaves, and as the leaves are charged similarly, they start repelling each other and get separated. Okay, ठीक है ना। अब जब मैंने प्लस 20 दिया बच्चे यहाँ पर, यस सर, तो स्पेस भी इक्वल आएगा, यस, क्योंकि आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट है तो पोटेंशियल सेम ही होगा तब जब चार्ज इक्वल हो, राइट। तो अभी हमने जब प्लस 20 दिया तो इधर कितना आया, 10 और 10, यस, फोर्स ऑफ रिपल्शन हुआ। माइनस 40 दिया तो यहाँ 20 और 20 आया, यस सर, करेक्ट है ना। तो जब 30 दूंगा तो 30 दोगे तो 5 और 7 के बीच, 5 और 9 के बीच में 7 आएगा। ओके सर, हाँ समझा। तो वो माइनस 40 है तो उससे कुछ चेंज नहीं होगा ना बच्चे? माइनस 40 है तो दोनों पे माइनस 20 जाएगा ना, रिपल्शन ही रहेगा ना फोर्स, तो हाँ वो रिपल्शन ही रहेगा। हाँ ओके राइट। हाँ सर, और किसी बच्चे को 1.1 में कोई डाउट? फॉलोइंग अरेंजमेंट? देखो यार आंसर तो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट अरेंजमेंट, तो आंसर तो बीटा वन थीटा वन इक्वल टू थीटा टू ही आएगा। एक ये होगा, एक मासेज अलग अलग है ना, yes, तो ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। ये मासेज सेम है तो ये नहीं हो सकता, yes, क्योंकि मास, अब इसमें ऐसा क्यों हुआ बच्चे, मास सेम रहेंगे राइट, तो यहाँ पे क्या है, जो टेंशन की इक्वेशन होगी यहाँ टेंशन की इक्वेशन सेम ही रहेगी, टी और टी, Yes. तो यहाँ के थीटा सेम रहेंगे, बट अगर मासेज अलग है तो यहाँ नीचे 2 mg लगेगा और यहाँ नीचे mg लगेगा, तो जरूरी नहीं है कि यहाँ के टेंशन सेम हो, समझा क्या? Yes, right? तो आई गेस ACD दे रखा होगा,
अच्छा नीचे लिखे ना आंसर तो। वन पॉइंट थ्री में किसी को कोई डाउट? ओके 1.4 में कोई डाउट? वन पॉइंट फाइव में कोई डाउट? सेकेंड क्वेश्चन नंबर टू क्या दे रखा है 1.5 में? क्वेश्चन नंबर टू में बच्चे कि हमारा फाइव चार्जेस क्यू आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ अ रेगुलर पेंटागन ऑफ साइड ए ऑप्शन ए क्वेश्चन में क्या दे रखा है व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ पेंटागन पांचों सेम ही है बच्चे आंसर जीरो है क्या आपको कौन से पार्ट में डाउट है दीप्ति माइक ऑन करो ना हां सर मेरे को सेकंड पार्ट में डाउट है इसका बी ए का सेकंड बी पार्ट में डाउट है ना how would your answer to be effective if pentagon is replaced by n sided rule koi farak nahi padega okay kyunki wo to similar hi rahega na bacche n sided hoga to bhi kya hoga net effect to zero hi aa jayega right haan sir क्या दे रखा है फिगर शोज अ चार्ज्ड रॉड ओके एंड कॉमा बेंट इन फॉर्म ऑफ एन आर्क अच्छा रॉड को पहले आर्क के फॉर्म में बेंट कर दिया Yes. Of a circle, charge distribution of the rod is as the assembly is kept in uniform electric field. ठीक है. Find the dipole moment of the rod. Okay. For small angular system, find the time period of oscillation. Okay. ये दे रखा है. अब field पे इस पे तो force ऊपर लगेगा और इस पे force नीचे लगेगा. Correct? Yes, sir. है ना? और हमारा या टॉर्क निकालना है ना डाइपोल मोमेंट तो टॉर्क इज अगर डाइपोल बन जाता है ये तो पी क्रॉस ई बन जाता है बच्चे हाँ सर तो मैं ऐसा करता हूँ यहाँ पे एक चार्ज कंसिडर करता हूँ यहाँ पे एक चार्ज कंसिडर करता हूँ मान लो ये थिकनेस मैंने डी थीटा कंसिडर कर दिया तो ये चार्ज है लैम्डा आर डी थीटा तो ये कितना हो जाएगा माइनस लैम्डा आर डी थीटा यस ठीक है अब यहाँ पे ये लेंथ डाइपोल की लेंथ होगी राइट ये आर है और ये थीटा है तो ये कितना होगा आर साइन थीटा यस सर तो दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना आ जाएगा टू आर साइन थीटा तो डाइपोल P कितना हो जाएगा नेगेटिव टू पॉजिटिव P वेक्टर हो जाएगा चार्ज लैम्डा आरडी थीटा इनटू व्हाट टू आर साइन थीटा डायरेक्शन हो गया इसका ऊपर यस नेगेटिव टू पॉजिटिव राइट हाँ है ना अब टॉर्क क्या होता है अच्छा डाइपोल मोमेंट ही पूछा है ना उन्होंने टॉर्क तो पूछा नहीं टॉर्क तो जीरो ही आ जाएगा है ना तो निकाल लोगे ये डीपी आ गया प्रेजेंस ऑफ माइंड यज्ञेश ये क्या बदतमीजी है किशोर एंड यज्ञेश दीप्ति माइक ऑन करो बच्चे इंटीग्रेशन ऑफ डीपी आ जाएगा कर लोगे सॉल्व हाँ सर मैं सॉल्यूशन में देखा था सेम उन लोग ने जीरो से टू थीटा तक इंटीग्रेट किया था ऐसा क्यों जीरो से टू थीटा तक इंटीग्रेट किया मींस लिमिट्स वो था हाँ तो या तो माइनस थीटा नॉट से प्लस थीटा नॉट लो
हाँ सर उससे भी हाँ ओके सर राइट हाँ सर एथ वाला है इसका तो इसका टाइम पीरियड अच्छा सॉरी टाइम पीरियड भी तो बाकी है टाइम पीरियड हम निकाल सकते हैं टाइम पीरियड का फॉर्मूला होगा इधर देखना टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा हाँ सर राइट टॉर्क अगर आपका आई अल्फा होगा और इसको मैं लिख सकता हूँ पीई साइन थीटा आई अल्फा yes. तो यहां से अल्फा कितना आ जाएगा पीई बाय आई इनटू थीटा स्मॉल एंगल के लिए साइन थीटा और थीटा इक्वल है तो अल्फा क्या होता है ओमेगा स्क्वायर थीटा होता है okay. तो यहां से ओमेगा की वैल्यू आ गई अंडर रूट पी बाय आई यस समझा हाँ एट्थ क्वेश्चन में किसको डाउट था क्या दे रखा है एट्थ क्वेश्चन में बच्चे क्वेश्चन में गिवन है थ्री आइडेंटिकल डाइपोल्स एक ये अरेंज्ड एज शोन इन फिगर व्हाट विल बी द नेट फील्ड एक ये और एक ये एट पॉइंट पी कौन सा है पॉइंट पी है राइट तो नेगेटिव टू पॉजिटिव के लिए ये इक्वेटोरियल पॉइंट हो गया अगर इसको वन कहता हूँ इसको टू कहता हूँ इक्वेटोरियल पॉइंट पे तो क्या होती है अपोजिट होती है E1 इधर आएगा E2 इधर आएगा करेक्ट और नेगेटिव डाइपोल के लिए हमें निकालेंगे तो हमें इसका ये एक्सेल हो जाएगा E3 यस और नो ये E3 इधर आएगा कर लोगे सॉल्व नंबर्स में प्रॉब्लम हो रहा है E1 होगा KP बाय XQ ये डिस्टेंस एक्स दे रखा है तो ये भी E2 होगा और E3 कितना होगा 2KP by X3 2KP क्यों होगा इक्वेटोरियल एक्सियल पॉइंट पे 2KP होता है ना इक्वेटोरियल पे KP होता है कोई बात नहीं यज्ञेश मैसेज पढ़ लिया मैंने आपका बच्चे परसों एग्जाम कल एग्जाम है भाई मेंस का याद नहीं है तो फिर दिक्कत हो जाएगी क्या कर रहे हो और किसी को कोई डाउट सर 14 वाला द लोकस ऑफ पॉइंट्स इन एक्स वाई प्लेन वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल डाइपोल एक्सेसेस अलोंग एक्स एक्सिस एंड इक्वेटोरियल वाई इज परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सिस ओके तो हमने एक किसी रैंडम पॉइंट पे निकाली थी दीप्ति यस सर केपी बाय आर क्यूब अंडर रूट 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 हाँ सर राइट वो निकाला था हाँ सर बस अब वही निकाल उसी को यूज करना है हमें परपेंडिकुलर टू द एक्सिस तो परपेंडिकुलर टू एक्सिस के लिए वही यूज करना पड़ेगा हमारा आंसर आना चाहिए उसी से कि हमारा जो डाइपोल है वो नेगेटिव पॉजिटिव मान लिया उन्होंने दे रखा एक्स एक्सिस में राइट है ना सेंटर से अगर मैं यहाँ पे कहीं फील्ड देखूंगा ऐसी कोई फील्ड आ रही है ऐसी कोई फील्ड आ रही है ई की वाली आ रही है केपी by r cube under root 3 cos square theta plus 1 right yes और अगर ये अल्फा है तो इसको यहाँ पे तो हमारा आएगा ey और यहाँ आता है हमारा ex तो tan अल्फा हम क्या लिख सकते हैं ey by ex right yes तो यहाँ से आना चाहिए मेरे हिसाब से क्या दिक्कत आ रही है हाँ सर मैं ट्राई करती हूँ ठीक है ना
एक बार सोल्यूशन भी देखना, और कई बार क्या होता है कुछ कुछ गड़बड़ होती है इसमें, मतलब सिंगेज से दिए तो उसमें है प्रिंटिंग मिस्टेक काफी, तो अगर कुछ ऐसा लगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं। फ्लक्स और गॉस लॉ वाले अपन एग्जाम के बाद करेंगे, क्योंकि अभी ये हुआ नहीं है थोड़ा सा, ठीक है। पोटेंशियल पे आ जाते हैं, 3.1 कोई दिक्कत सर? इस एग्जाम में कौन सा पोर्शन आने वाला है? बच्चे कल एग्जाम है, मैं इतनी बार बता चुका हूँ, एमटी में आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक डाइपोल। मतलब डीपीपी में कौन सा? 1 और 3। 1 और 3 3 में भी है ना, पूरा 3 नहीं आएगा, मैं बता देता हूँ। 3.3 हाँ, 3.3 और कुछ पार्ट 3.4 का, ये 3.5 तो नहीं आएगा कंटिन्यूस वाला तो। हाँ बच्चों, किसी को कोई और डाउट है क्या 3 में? 3.1 3.2 सर 13 वाला, four similar charges plus q are placed at four corners, find the value of integral infinity to a by root 2 e dot dl. complete hai kya data rakha hai maine, चार चार्जेस रखे हुए हैं, इन चार चार्जेस के बारे में क्या दे रखा है? फोर सिमिलर चार्जेस प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू एंड प्लस क्यू, ये रखे हैं। आप प्लेस दैट कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड ए, फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये है माइनस ई डॉट डी आर इन्फिनिटी से ए बाय रूट टू। मतलब ये मुझे समझ में आ रहा है, ये दे आर टॉकिंग अबाउट, ये क्या है? पोटेंशियल, ये भी पोटेंशियल है ना? इफ दिस, इफ वैल्यू ऑफ इंटीग्रल दिस इज इक्वल टू दिस वेयर के इज दिस, तो आपसे बोला हुआ है राइट, तो दोनों को एड करके यहाँ पे तो अगर मैं दोनों को एड कर दूंगा तो इन्फिनिटी से जीरो की बात आ जाएगी, ठीक है। इंटीग्रल ए बाय रूट टू जीरो ई डॉट डी आर प्लस माइनस इंटीग्रल इंफिनिटी ए बाय रूट टू ई डॉट डी आर, ये दे रखा है बच्चे दीप्ति? Yes. तो मुझे समझ में आ रहा है ये कहां से कहां तक इंटीग्रेट कर रहे हैं, जीरो से इंफिनिटी, क्योंकि पहले जीरो से ए बाय रूट टू कराया, फिर ए बाय रूट टू से इंफिनिटी कराया, तो पॉजिटिव साइड में, तो दिस कैन बी रिटन एज व्हाट, माइनस इंटीग्रल है ना इंफिनिटी टू जीरो ई डॉट डी आर, दिस इज डी वी इंफिनिटी टू जीरो वी है ना, जीरो माइनस वी इंफिनिटी आ जाएगा, यस वी इंफिनिटी तो जीरो ही होता है राइट, तो दिस इंप्लाइज वी जीरो कितना आ गया, दोनों को ऐड कराऊंगा तो ये रखा है क्या हमें क्वेश्चन में, ये दे रखा है वैल्यू फाइंड कर वो इंटीग्रल, ये दे तो रखा है, ओके 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 ओके, एक की वैल्यू दे रखी है दूसरी की फाइंड करनी है
राइट, तो मुझे इसकी वैल्यू पता है राइट इसकी वैल्यू कितनी है यहाँ पे रूट टू के क्यू बाय ए राइट प्लस एक्स मान लेते हैं करेक्ट और वी जीरो हम निकाल सकते हैं फोर टाइम्स ऑफ के क्यू बाय ए रूट टू ए बाय रूट टू रूट टू के क्यू बाय ए प्लस एक्स तो उसको सॉल्व करोगे ना तो रूट टू पर चला जाएगा सब्ट्रैक्ट होगा तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी थ्री के थ्री रूट टू के क्यू बाय ए आई गेस यही होगा आंसर समझा क्या थ्री पॉइंट थ्री में कोई डाउट सर 18th वाला चलो माइक ऑन रखना बच्चे अ टेस्ट चार्ज क्यू इज मेड टू मूव इन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ पॉइंट चार्ज क्यू अलोंग टू डिफरेंट लाइंस टू डिफरेंट क्लोज पाथ्स ठीक है First part has a section along and perpendicular to the lines of force. Okay. Second part is rectangular loop of same area as first. The work done in first part is more than that of second part. True or false again? Yes. Yes. अच्छा, अब एक बात बताओ, electric field conservative है, non-conservative है? जल्दी बोलो कंजर्वेटिव कैसे कह पा रहे हो कंजर्वेटिव है बच्चे है दीप्ति कंजर्वेटिव कहा तो क्यों कहा सिंपल आंसर है सर पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन कर दिया आपने राइट पढ़ाते टाइम भी लिखवाए थे पॉइंट्स नो टेस्ट है गलत बात याद होने चाहिए पॉइंट तो अगर कंजर्वेटिव फोर्स है और पाथलेंथ सेम है तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करेगा तो दोनों का सेम ही आना चाहिए जीरो आना चाहिए क्लोज पाथ पे तो क्योंकि इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम ही है मेरे हिसाब से आंसर फॉल्स होगा एरिया से कोई लेना देना ही नहीं है इसका राइट और कोई डाउट किसी को कोई और डाउट नहीं है बच्चों चलो तो फिर हम आई एम वाइंडिंग ऑफ द लेक्चर नाउ मुझे दूसरे क्वेश्चन में डाउट है सॉरी हां मुझे एक सीएम के क्वेश्चन में डाउट है सीएम के क्वेश्चन में डाउट है कौन सा बताओ एक मिनट भेजता हूं सर डीपीपी 3.4 में भी डाउट है डीपीपी 3.4 में भी डाउट है DPP 3.4 कौन सा सर 6th वाला अगर हमने किया नहीं होगा तो मैं मना कर दूंगा इस डिस्ट्रीब्यूशन का भी वर्क डन दैट अ वेरी लार्ज स्फीयर ऑफ चार्ज टू यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सरफेस कंप्रेस ओके छोड़ दो यार अभी सेल्फ एनर्जी पढ़ाऊंगा तो देख लेंगे अपन यस भेजा मैंने हाँ बच्चे टू ब्लॉक्स कनेक्टेड बाय स्प्रिंग ऑफ नेग्लिजिबल मास आर गिवन वेलोसिटी दिस एंड दिस ठीक है इनिशियली आंसर व्हेन द वेलोसिटी ऑफ ए बिकम्स जीरो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या दिक्कत आई इसमें ऑप्शन सी में प्रॉब्लम हो रहा है यार ये तो हमने पढ़ा था ना कौन से चैप्टर में सेंटर ऑफ मास यस तो फिर दिक्कत कहाँ आ रही है स्प्रिंग कहाँ पढ़ाया था मैंने
यही थे ना क्वेश्चन, एक बार इसको रीड करो, ये पूरा आपके सामने। अभी कल परसों भी मुझसे एक किसी बच्चे ने पूछा था, सीएम फ्रेम में निकाल लो, फिर अगर ग्राउंड फ्रेम में निकालना है तो माइनस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कर देना। देखो मैं आपको बताऊं, अगर माइक ऑन करो, यस VCM अगर आपको इनिशियल निकालना है तो प्लस 4 mv नॉट माइनस mv नॉट, हां वो सब तो निकाल लिया सर, यस तो वेलोसिटी ऑफ CM v नॉट आ जाएगी टुवर्ड्स राइट, यस CM फ्रेम में काम कर दो जो भी बताया हुआ है पूरा आपके। अब हमारे केस में मैं आपको ये दो, ये जो क्वेश्चन दे रखा है मैंने भी कराया होगा क्वेश्चन तो एक्सप्लेन किया हुआ है, ये दिख रहा है आपको क्वेश्चन? हाँ 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 सेम राइट, यस हाँ दिक्कत आ रही है यार, सेम ही है क्वेश्चन, यस यस देख लूंगा मैं, थैंक यू, सब पूरा पढ़ाया हुआ है देखो डिटेल्ड राइट, यस और कोई डाउट? I cannot see any hands.